तो कैसे हो मेरे से भाई, उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे। तो भाई आपको देख ही गया होगा अपना सोना और सोने से निर्मित अपना चौवन प्रकार की जड़ी बूटी निर्मित चौवन प्राश। तो मेरे भाई एक भाई ने ऑर्डर किए हैं, उन वो भाई मीरकपुर गांव से है, सहारनपुर के जिले में एक गांव पड़ता है मीरकपुर देवबंद के पास। ये मेरे भाई उन्होंने सामने मंगाए हैं, वो फिलहाल हाल फिलहाल में रहते हैं नोएडा। तो उन्होंने ये भाई ने अपने मंगाए हैं। देखो सोना तो मेरे भाई आपको पता है सोने की डल कितना जबरदस्त है। मेरे भाई बहुत से भाई अभी अपरिचित है अपने च्यवनप्राश से। देखो मैं आपको बता दूं, च्यवनप्राश 12 महीने खाया जा सकता है उसके अंदर के औषधीय गुण को चेंज करके। देखिए आप एक चीज से समझे, जैसे सर्दियों के समय में जो गर्म उसके गर्म जड़ी बूटियां होती है उनको चेंज कर दिया जाता है सर्दी। देखो आप एक चीज से समझो, सर्दी समय में क्या होता है, जड़ी बूटियां उसमें गर्म होती है च्यवनप्राश के अंदर, और गर्मी सीजन में क्या होता है उन जड़ी बूटियों को चेंज कर दिया जाता है। गर्म जड़ी बूटियों की जगह क्या डाला जाता है, ठंडी जड़ी बूटियां जैसे सफ़ावर, सफेद मूसली, इस प्रकार की जड़ी बूटियां अपने च्यवनप्राश की जड़ी बूटियों निर्मित च्यवनप्राश में डाली जाती है। मेरे भाई आप इसका सेवन गर्मी में भी कर सकते हो, ये आपके शरीर में ठंडक देगा। किसी भाई को आजकल एक समस्या बड़ी होती है, धूप में थोड़ी देर काम कर लेते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे चक्कर आके गिरने वाले हैं, कमजोरी को दूर करने में ये च्यवनप्राश आपकी मदद करेगा। मेरे भाई आप देखो आजकल थोड़ा बहुत काम करने लगते हैं तो थकावट बहुत ज़्यादा होती है, ऐसे सांस चढ़ते हैं, तो मेरे भाई उस चीज़ में अपना सोना काम करेगा। मेरे भाई आप देखो इनका रिजल्ट जो है प्राचीन में ऋषि और वर्तमान समय में बुजुर्ग लोग घी खाने के लिए इसलिए बहुत महत्व देते हैं कि इसके अंदर जो इससे खा के जो घुटने में ग्रीस आता है, मेरे भाई आप दुनिया में कितनी महंगी महंगी चीज़ खा लो वो ग्रीस नहीं आ पाएगा। जो घुटनों में ग्रीस सोना देसी घी खाने से आता है वो अन्य किसी चीज़ से नहीं आ पाएगा। च्यवनप्राश भी अपना औषधीय गुण रखता है और अमृत है, अगर उसमें देसी गाय घिड़ल जाए और सारी जड़ी बूटियाँ प्योर हों, कोई मिलावट ना की गई हो, तिल का तेल हो, तो मेरे भाई च्यवनप्राश भी अमृत हो जाता है। और ब्रह्मचारी को तो घी और च्यवनप्राश जरूर सेवन करना चाहिए। मैं भाई आपसे निवेदन करूंगा आप भी एक बार इसका सेवन करो और भरपूर लाभ उठाओ। नमस्ते जी।